हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इससे पहले दो वीडियो पार्ट रिलीज कर चुके हैं। यह है प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट 3 रहेगा। इसके बाद हम जो सी सेट की 1995 से पहले 150 क्वेश्चन आते थे, आप सबको पता होना चाहिए जो प्रीलिम्स में, क्योंकि 2013 से सी सेट का जो है वो उसको कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, आपको देना पड़ेगा और उसको पास होना पड़ेगा। 200 मार्क्स में से कितने लाने पड़ेंगे? 66। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए सी सेट, तो पार्ट 3 रहेगा। अब देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज चलते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको इन नंबर पर कॉल करनी है, जहाँ पर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और बहुत सारे अदर स्टेट पीसीएस के कोर्सेज मिल जाएंगे, फुल स्टडी मटेरियल के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के साथ। फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको सर्च बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन सी सेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया है, 2019 में आएगा, 2020 में ये आएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है, छह पर्टिकुलर तीन चीज़ें इसमें डिफरेंस देते हैं, और उन्हीं तीन चीज़ों का 2012 में जो ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ये करके ले जाते हैं तो आपके 6 मार्क्स जो है फिक्स हो जाते हैं। अब कैसे है? 6 मार्क्स नहीं बल्कि 1.5 प्लस ही फिक्स हो जाएंगे, कम से कम 10 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आप करके गए सी सेट में। बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि 2017 2016 में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सी सेट में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दूसरी सी सेट के लिए, बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि यूपीएससी में सी सेट के लिए क्या करें क्या करें, कोई दूसरी बुक बताइए, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी में अगर सी सेट आपको क्लियर करना है तो एक ही इसका फंडा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के पैटर्न में आपको चलना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और उतने ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स से प्लस वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 6 आइटम्स दैट फॉलो। 6 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से बताना है। टोटल आप सबको पता है 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है पूरा सी सेट, और 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें से 6 क्वेश्चन ये मान के चलिए, 6 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। अब है क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेना है। ए बी सी डी आर द स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो जो जो है वो एक साथ लिख लेना है, ए बी सी डी 4 स्टूडेंट है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज पी क्यू आर एस, और ये क्या है, अलग अलग सिटी में पढ़ रहे हैं, पी क्यू आर एस सिटी में पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ए पी में पढ़ रहा है, बी पी, अलग अलग है, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, उसी सेम ऑर्डर में हैं, जरूरी नहीं है। दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 कॉलेज में भी पढ़ लें अलग अलग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, कौन कौन से, साइंस में, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, और एक और कॉलेज है कॉमर्स है, और कौन सा है, कॉमर्स है। ठीक है, और कौन सा है, कॉमर्स है, ये लिख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज है। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट सिटी, और 4 अलग अलग सिटी में ये सिचुएटेड है, गुजरात, राजस्थान, आसाम, केरल, गुजरात, राजस्थान, आसाम और केरल में। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, आसाम और केरल, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, फर्दर इट इज गिवन दैट। अब ये तो हमारे को बताया, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं, 4 अलग अलग सिटी में हैं, ये सिटी हैं, 4 अलग अलग कोर्सेज हैं, कॉलेजेज हैं, एक का साइंस कॉलेज है, एक का आर्ट है, एक का इंजीनियरिंग है, एक का कॉमर्स है, और ये 4 अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है, इतना। अब ये है, अब ये करने के बाद आपको अपना जो है क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड करना है। किस पार्ट में डिवाइड करना है? दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूंगा, ठीक है, अब जहाँ पर गुजरात है वहाँ पर जी लिखूंगा, जहाँ पर राजस्थान है वहाँ आर लिखूंगा, ठीक है, या आर ए लिख दूंगा, ठीक है, वो समझ जाना। अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको, दो पार्ट अपने जो है पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेना है? दो पार्ट में अपने पेज को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब क्या है देखिए, इसको वेट मैं पूरा पेज ले आता हूँ, इसको पूरा पेज ले आते हैं। ओके,
ओके, ये आ गया पूरा पेज। ठीक है, अब क्या है, अपने पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ऐसा करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी इज स्टडिंग इन आसाम। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, देखिए, ए बी सी डी यहां पर ऐसे लिख लेना है, जो पहला वाला किया था वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, अब ए बी सी डी यहां पर लिखना है और यहां पर अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहां पर क्या लिखनी है, अदर इंफॉर्मेशन। शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं आपको सबको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की एक पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, अब देखिए, अब जो जो बोल रहा है वो हम करना है। डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी कितने में पढ़ रहा है, आसाम में पढ़ रहा है। डी कौन से स्टेट में है, फिर आसाम में है। जो जो डायरेक्ट दिए हैं वो इस पार्ट में लिखने हैं, ये लेफ्ट वाले पार्ट में, और जो जो इंफॉर्मेशन दी है इस पार्ट में लिखनी है, ताकि हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। ठीक है, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। देखो, आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, सिटी एस में है जो कि राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अदर इंफॉर्मेशन है, ये लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, सिटी एस में है। कौन सा कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है, ऐसे लिखना है। और ये कहाँ है, राजस्थान में है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ये तो डायरेक्ट हमको इन्फॉर्मेशन दी है, ये अदर इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे। ए जो है कौन से कॉलेज में है, देखिए, कॉमर्स कॉलेज में, ए है कॉमर्स कॉलेज में, ए है कॉमर्स कॉलेज में, कॉमर्स यहाँ पर लिख देना। ठीक है, उसके बाद है बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, डायरेक्ट ये है, अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखेंगे। बी कहाँ है, सिटी क्यू में है। आपकी दूसरी मेथड भी हो सकती है सॉल्व करने की, बट दूसरी मेथड से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने तरीके से करना, जो मैंने सॉल्व किया वो इस तरीके से किया, मैंने दो पार्ट कर दिए। बहुत सारे आपको सॉल्यूशन ऐसे भी दिखेंगे जिसमें एक ही टेबल में कर देते हैं, बट उसमें बार बार, उसमें क्या होता है, फिर मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार कन्फ्यूजन हो जाता है तो हमें दोबारा दूसरी टेबल बनानी पड़ती है। तो सीसेट में 6 मार्क्स के लिए, मतलब 6 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, और ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे है, फिफ्थ है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, ये अदर इन्फॉर्मेशन है। ये कौन सी है, अदर इन्फॉर्मेशन। साइंस जो है ये क्या है, केरल में है, ये कहाँ है, केरल में है। ठीक है, इतना हमको आ चुका है। ए जो है कॉमर्स पढ़ता है, बी जो है क्यू में है, और डी जो है आसाम में है, ये अदर इन्फॉर्मेशन है। एस जो है आर्ट, एस जो सिटी है वो आर्ट कॉलेज में है, और एस सिटी में, और एस सिटी जो आती है राजस्थान में आती है, ये अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इतना हमको क्लियर आ चुका है। अब देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, अब देखिए ये कौन सा है, कॉमर्स से है, ये दिया है आसाम, ये देखिए है क्यू सिटी। हमको सिंपल सा बात एक पता चल गया है कि आर्ट जो कॉलेज है वो सी का होगा, फिर क्यों होगा कैसे पता चला, देखिए जो सी वाला है वो कौन सा है, एस लिखेंगे सी के नीचे, एस सिटी, आर्ट कॉलेज और राजस्थान। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, आप सबको पता होना चाहिए, देखिए क्यों, सिंपल सी बात है, डी वाला जो है आसाम में है, डी वाला जो है आसाम में है, ये तो स्टेट अलग हो गया। ठीक है, इसके साथ जो ए वाले के साथ है वो कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपल सी बात है, ये आर्ट जुड़ा है, तो ये मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। राजस्थान को ये एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पर से, इसको देखिए, तो यहाँ पर एक अच्छी सी हिंट दी है, पूरी अदर इन्फॉर्मेशन, जो एस सिटी है उसमें आर्ट कॉलेज है और वो राजस्थान में है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों को अगर आप देखोगे तो इनमें कोई भी खूबी नहीं मिलेगी कि इसमें पुट कर सकें। जैसे ए वाले में आप देखोगे तो ये कॉमर्स कॉलेज है, तो यहाँ पर आर्ट कॉलेज है, तो इसमें तो नहीं आ सकता ये। बी वाले में देखोगे आप, ये क्यू सिटी है, पर यहाँ पर तो एस सिटी है। डी वाले में देखोगे आप, यहाँ पर तो आसाम है, ये क्या है, राजस्थान। तो पहला आपका फंडा क्लियर है, जो सी है, सी वाले का पूरा आप सबको मिल चुका है, सी वाले आप सबको मिल चुका है। देखिए क्या है, सी वाला क्या है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, आर्ट कॉलेज को एलिमिनेट करना, आर्ट कॉलेज को एलिमिनेट करना कि किस जगह पे नहीं होगा। तो सी वाला जो स्टूडेंट है वो एस सिटी में है, आर्ट कॉलेज पढ़ रहा है, और राजस्थान। एलिमिनेशन क्यों किया मैंने आप सबको बता दिया, पहला स्टेप आर्ट कॉलेज। दूसरा स्टेप हम देखेंगे केरल, दूसरा स्टेप देखेंगे केरल। अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, जो साइंस वाला बच्चा है वो पढ़ता है केरल में, मतलब केरल स्टेट से बिलोंग करता है। आप सबको पता है जो ए वाला है इसमें तो हम केरल लिख ही नहीं सकते, ए वाले में केरल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, ए वाला जो है साइंस का स्टूडेंट है, मतलब ये ए वाला है कॉमर्स का स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डी वाला ऑलरेडी हम देख सकते हैं, ये आसाम है तो ये केरल है,
तो डी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बी वाला, जो है बी वाला, एक बी ही बचता है, तो बी वाला कौन से सिटी में है? क्यू सिटी में है, सब्जेक्ट है हमारा साइंस है, और कौन सा में है? केरल। तो अब बस अब ये पता चल गया, तो हमें सब चीज पता चल गया, ये आसाम होगा, ये राजस्थान होगा, ये केरल होगा, तो सिंपल सी बात है ये कौन सा होगा? गुजरात होगा। ठीक है, अब इतने इंफॉर्मेशन से हम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पी क्यू आर एस हमें दिया नहीं है कि ये वाला पी सिटी में है या एस सिटी में है, ये वाला पी सिटी में है या एस सिटी में, ये नहीं दिया है, तो ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट, अब हालांकि आपको थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिए, डायग्राम मैंने आप सबको बता दिया है, ये समझा दिया है अदर इन्फॉर्मेशन के साथ, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और एक और बात, इसी जो क्वेश्चन को इसी सेम ट्रिक से करना है, ठीक है, इसी जो क्वेश्चन को सेम ट्रिक से करना है, आपको यहां पर क्या लिखना है? दो पार्ट डिवाइड करने हैं, यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देनी है, और जो यहां पर इंफॉर्मेशन देनी है वो अदर इंफॉर्मेशन देनी है, तो इससे इसको सॉल्व करना है, इससे इसको सॉल्व करना है। पहला है आर्ट, पहला है एलिमिनेशन राउंड, जहां पर हमने आर्ट कॉलेज को रखा, दूसरा है केरल वाला राउंड, अदर इंफॉर्मेशन से सॉल्व किया। अब एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है, ए इज स्टडिंग इन, ए कहाँ पढ़ रहा है? ए कहाँ पढ़ रहा है? हमें ए वाले में क्या दिया गया है? राजस्थान है, गुजरात है, क्यू है या केरला है? ठीक है, क्या दे रखा है? राजस्थान, गुजरात, क्यू या केरला। तो ए वाले को देख लेते हैं, हमने क्या दिखाया था? देखिए ए जो है कहां पर पढ़ रहा है? गुजरात में। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, ये तो डायरेक्ट दिया था साइंस कॉलेज, अच्छा सिटी क्यू, सिटी एस, सिटी के बेसिस पर। ठीक है, वैसे तो हमें देखा साइंस कॉलेज कहाँ है? केरल में है, बट अभी कौन सी सिटी में है ये बताना है, साइंस कॉलेज कौन सी सिटी में है। जब हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमने डायग्राम बनाया है, साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज है सिटी क्यू में, सिटी क्यू में। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज स्टडिंग इन, सी कौन सी कॉलेज में पढ़ रहा है या कौन सी सिटी में पढ़ रहा है, ये हमें बताना है, जिससे भी रिलेटेड होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो सी है एस सिटी में, आर्ट कॉलेज में, और राजस्थान में, एस कॉलेज में। ठीक है, साइंस कॉलेज कहाँ होगा फिर? साइंस कॉलेज कहाँ होगा? मतलब सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ पढ़ रहा है ये हमें बताना है। सी कहाँ है? राजस्थान में है। सी कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, देखिए जैसे हमने ये देखा ना, ये अभी पूरा डायग्राम बनाया था, सी कहाँ है ये देखिए, राजस्थान में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला क्या है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हम सबको पता है डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, जो डी है वो सिटी एस में नहीं पढ़ता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, जो डी वाला स्टूडेंट है, जो डी वाला स्टूडेंट है, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, देखिए जो डी वाला स्टूडेंट है वो एस में नहीं पढ़ता है, क्योंकि अभी हमें सिटी पी और एस के बारे में पता नहीं है, क्योंकि डी वाला स्टूडेंट ए में भी पढ़ सकता है, डी वाला स्टूडेंट डी में भी पढ़ सकता है। ठीक है, डी वाला सॉरी ए वाला स्टूडेंट पी और एस कौन सी सिटी में भी पढ़ सकता है, जैसे मैंने कहा ना पी और एस इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इनके बारे में, या तो ए वाला पी सिटी में होगा या एस सिटी में हो सकता है, वैसे डी वाला पी सिटी में हो सकता है या एस सिटी में हो सकता है। ठीक है, एस नहीं सॉरी पी क्यू आर, ये आर है, ठीक है, उसमें से एस एस लिखा है मैंने, क्योंकि हमें एस वाली सिटी और क्यू सिटी का तो पता ही है, तो ये आर है, ठीक है, एस नहीं है, सॉरी करेक्शन कर लेना इसको, पी सिटी है या आर सिटी है, हमें पता नहीं है कि ए या ये। ठीक है, तो डी का पता नहीं है, डी का हमें पता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग कॉलेज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंजीनियरिंग कॉलेज के बेसिस पर? अभी हमने देखा जो डी है करेक्ट रिगार्डिंग, डी इज स्टडिंग स्टडिंग दियर, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? डी, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? डी, ये देखिए यहाँ पर है डी जो है, क्योंकि ये कॉमर्स है, ये साइंस है, ये आर्ट है, तो ये बचा हुआ किस में होगा? इंजीनियरिंग वाला होगा, कौन सा वाला होगा? इंजीनियरिंग, तो डी किस में पड़ेगा? इंजीनियरिंग में पड़ेगा, डी किस में पड़ेगा? इंजीनियरिंग में पड़ेगा, डी इज स्टडिंग देयर। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी हमने कहा डी जो है इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो डी ही वही आदमी है जो स्टेट
जो कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है। तो आंसर हो जाएगा 48 का ए। इस तरह से हमने देखिए 6 पार्ट पूरे सही किए, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको 2 पार्ट बना लेने हैं। एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का, डायरेक्ट इन्फो देने का, और दूसरा पार्ट क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, मैं स्टेप यहाँ पर बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अदर इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, इस अदर इन्फॉर्मेशन, अब सेकंड स्टेप, इस अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में पुट करना है और एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट करना है। बस 2 स्टेप हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप है अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से डायरेक्ट इन्फो की टेबल भरनी है और एलिमिनेशन करना है। जैसे जैसे एलिमिनेट होते गए आपको आंसर लिख लेना है। और एक और साथ, जैसे मैंने पहले उसमें बनाया था ABCD, ऐसे लिख भी सकते हो आप नए एक पेज में। ये दोनों पेज तो सिंपल ही हैं, लेफ्ट और राइट पेज। एक में ये भी लिख लेना कि ABCD, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है। PQRS, जैसे अभी मैं P और S लिख रहा था, सिटी तो PQRS है ना, Q और S के बारे में तो पता था, P और R के बारे में नहीं पता है। तो PQRS, साइंस आर्ट कॉमर्स ऐसे लिख लेना, और राजस्थान आसाम केरल ये लिख लेना। ठीक है, एक पेज में ये भी सामने होना चाहिए और 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमने 6 क्वेश्चन सही किए, कुछ 10+ मार्क्स आपके सीसेट में इससे आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40। एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल बेचता है ₹40 का, मान के चलिए सेब बेचता है, आर्टिकल मान लीजिए। ठीक है, एंड गेट्स X% ऑफ प्रॉफिट, और उसको कुछ लाभ होता है। हावेयर व्हेन ही सेल्स इट एट, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ₹20 का उसी सेम चीज को ₹20 का बेचता है, तो उसको सेम% ऑफ लॉस होता है। जो जिस परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है उसी परसेंट का लॉस होता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। आप सबको पता है प्रॉफिट कब होता है हमें, प्रॉफिट कब होता है हमें, जब सेलिंग प्राइस, मतलब जब आप बेच रहे होते हो, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। आपने ₹5 का खरीदा, ₹10 का बेचा, तो सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तब प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है हमें, जब कॉस्ट प्राइस, आपने खरीदा, कॉस्ट प्राइस मतलब जो खरीदने का, आपने ₹10 का खरीदा और बेचा जो है ₹5 का, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस तो यही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन UPSC CSE CSET में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, X% ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है, सिंपल सी चीज है, जो प्रॉफिट परसेंट है वही क्या है, लॉस परसेंट है। सही है, इतना आप सबसे पहले इक्वल कर देना है। पहला स्टेप तो यही है कि आपको देखिए, शॉपकीपर अगर ₹40 का बेच रहा है तो उसको X% ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, और वही व्हेन ही सेल्स उसको अगर ₹20 में बेच रहा है तो सेम उसको लॉस परसेंट भी हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट सबसे पहले कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इन दोनों को इक्वल कर दिया, आप वैल्यू पुट कर देना, 40 जो सेल्स बेचा और 40 माइनस जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस SP माइनस CP, CP कितना है हमारा, एक्स मान लेते हैं, अपॉन CP जो कॉस्ट प्राइस हम लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिख देना। लॉस परसेंट में क्या होगा, लॉस हुआ है तो सिंपल सी बात है, एक्स को, कॉस्ट प्राइस को आगे लिखूंगा जैसे मैंने यहां पर बोला, और माइनस SP सेल्स कितने, क्या कितने रुपए का बेचा, ₹20 का बेचा, तो ये तो नीचे भी कॉस्ट प्राइस आएगा, दोनों के नीचे कॉस्ट प्राइस। CP CP काट देता हूं क्योंकि ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई जाने के बाद ये कट जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, सेम वेरिएबल को एक साथ, जो एक्स है माइनस एक्स है इधर जाके प्लस एक्स, और -20 इधर जाके +20, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये एक्स है तो एक्स को लिखूंगा इधर, और माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 60, एक्स प्लस एक्स 2x। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 60/2, 60/2 तो काट के कितना कर दूंगा, ₹30। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी की होगी, ₹30 की होगी। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो सेम प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, सेम लॉस परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है, लॉस का फॉर्मूला लिखना है और आंसर निकालना है। तो आंसर हो जाएगा सी, ₹30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये बाहरी वाला, ये सर्कमफ्रेंस जो ये जैसे पेरीमीटर होता है, ये एरिया में तो ये पूरा इंक्लूड होगा, सर्कमफ्रेंस में ये जैसे 2πr। ठीक है, ये
तो ये बोल रहा है देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स, इक्वली स्पेस्ड, एक पॉइंट यहाँ पर है तो थोड़ा सा सेम इक्वल डिस्टेंस में, ऐसे ही कितने सेम इक्वल डिस्टेंस में 24 पॉइंट हैं इसमें, कितने पॉइंट हैं 24 पॉइंट हैं। तो सिंपल सी बात है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिनकी तीन भुजाएं सेम होती हैं, ये 5 का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 होगा, तो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये बोल रहा है कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं अगर इसमें 24 पॉइंट इक्वली हैं। तो आप सबको पता है जैसे ये एक पॉइंट, ये तो आप सबको पता है जो हमारा एक ट्रायंगल होता है वो तीन पॉइंट से मिलके बनता है, तो टोटल कितने पॉइंट हैं 24 पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं 24 पॉइंट हैं। और एक ट्रायंगल कितने को मिलके बन रहा है, कितने पॉइंट को मिलके, ये देखिए ये 3 पॉइंट, तो 3 8 जा 24 या 3 8 24, तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वो 24 वो कुछ भी दे सकता है, 64 भी दे सकता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है कंसिडर द सिक्वेंस गिवन बिलो। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड पूछा जाता है, रिपीटेड हमसे पूछा जाता है। ये 2018 में और 1995 में आया है, 1995 में भी आया है, अभी हम और करेंगे इसको, 2018 में भी आया है। अब देखिए सिक्वेंस क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंस बिलो, 4 12 95, 1 196, 29 196, 26 296। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जिसने ये पहले नहीं किया है तो हम लोग सिर्फ यही ढूंढने लग जाएंगे कि हाँ ये 4 फिर 12 हो रहा है 95, प्लस भी कर दोगे आप, स्क्वायर भी कर दोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे, आप कहोगे ये कैसा सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है, या ये कैसा सीक्वेंस है, तो आप लीव कर दोगे ऐसा क्वेश्चन को अगर हमने ये पहले नहीं किया है। तो इसलिए यूपीएससी सीएससी सीसेट का पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन 1997 में और 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन था, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है 1995 में भी आया है और वही क्वेश्चन 2018 में इन्होंने डाल दिया। अब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस री। अब बहुत सारे लोग मैंने कहा ऐसा करेंगे, बट आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक डेट की फॉर्मेट है, क्या है, डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट है, दिख रहा है ये, तो डेट मंथ और ईयर है, ये एक तारीख दे रखी है, डेट दे रखी है, डेट है, मंथ है, ईयर दे रखी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे देखने लग जाते हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों का इनका डिफरेंस क्या है, जैसे 4 12 मतलब दिसंबर 1995 है और ये है 1 1 96 है, अब डिफरेंस कितना है, आप सबको पता है दिसंबर कितना मंथ जाता है, 31 जाता है, कितना जाता है 31 जाता है, तो ये कितने तक जाएगा, ये पूरा 31 तक जाएगा, प्लस प्लस ये एक डेट है, 31 प्लस 1 32, तो 32 माइनस 4 करूंगा कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, तो कितने डेट का डिफरेंस है पहले वाले में 28। अब इन दोनों में भी देख लेता हूँ, यस इन दोनों में तो पहले से ही 28 का है, देखो फर्स्ट ये वाले का और ये वाले का 28 है, इन दोनों का भी 28 है, 29 माइनस 1 28। अब 29 और 26 में कितना डिफरेंस है, ये देखिए 29 जनवरी है वो 31 जाएगा, 29 29 30 31, मतलब 2 दिन प्लस ये 26, कितना डिफरेंस आया 28 दिन का। तो अब सिंपल सी बात है, आगे वाली ऐसी डेट निकालनी है जो कि 28 दिन का हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, अब बहुत सारे लीप ईयर होते हैं, तो लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है, ये मंथ कितना है जनवरी, फरवरी है, फरवरी मंथ जो होना चाहिए 28 जाता है या 29 जाता है, ये इंपॉर्टेंट होना, ये पता होना चाहिए। अब हमें पता है अगर 1996 है, ये कौन सा ईयर है 1996 है, अगर ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर होगा और इसमें 29 डेज होंगे, 29 दिन होंगे, सिंपल सी बात है, तो हम उसके बेसिस पर हमें आंसर निकालना है। अब इसे तो होगा क्या, अगर यहाँ पर मार्च होता मई होता तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या किया, कितना डेट का डिफरेंस है वो देख लिया, दूसरा स्टेप क्या देखा कि इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में क्या है गैप कितना है वो देख लिया। अब कितना है देखिए 4 1996, 4 से डिवाइड करूंगा तो पता चल जाता है कि लास्ट के, अगर 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा टर्म भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आपने ये पढ़ी होगी। ठीक है, 4 से 96, 4 2 जा 8 16, 4 4 जा 16, तो यस पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो हाँ ये लीप ईयर है,
पूरी तरह डिवाइड हो गया 1996, तो ये आ जाएगा लीप ईयर। तो इसमें कितने डेज होंगे फरवरी के? 29 दिन होंगे। अब 29 दिन होंगे, ये ऐसा क्यों निकाला? ताकि हमें अगले 28 दिन बाद क्या आएगा, कौन सी डेट आएगी, ये पता करनी है। तो 26 है ना, तो 26 है तो डेट लिख लेना 26/2/1996। 28 दिन का करना है, ये 29 दिन मैंने निकाल लिया लीप ईयर के बेसिस पे, तो 26, 27, 28, 29, 3 दिन तो ऐसे हो जाएंगे, प्लस 25 दिन नेक्स्ट डेट के, नेक्स्ट तारीख के, तो ये 25 मार्च 1996 आंसर हो जाएगा। 3 दिन तो इसके ना, क्योंकि 28 दिन का गैप निकालना है, 3 दिन इसका हो जाएगा और 25 दिन अगली डेट का हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25। तो 59 का हो जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। अब बार स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे डिब्बे हैं स्क्वायर के, वो रेक्टेंगल में फिट करने हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसमें छोटे छोटे स्क्वायर फिट करने हैं, छोटे छोटे स्क्वायर फिट करने हैं 12, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये 5 सेंटीमीटर का डायगोनल दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर का। मान के चलिए ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है और उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स फिट करने हैं 12। तो देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। 3 रोज हैं, एक ये रो है, एक ये रो है और ये रो है, सभी में कितने हैं, चार चार स्क्वायर हैं, तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे, 12 स्क्वायर टोटल हैं। कितने स्क्वायर हैं, 12 स्क्वायर हैं। अब मेरे को पता होना चाहिए कि 3 रो हैं तो एरिया कितना आया। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ निकालता हूँ, क्योंकि इस पूरे रेक्टेंगल का अगर मेरे को एरिया पता नहीं होगा तो इसमें जो टोटल एरिया क्या स्क्वायर का रहेगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक डायगोनल खींच दिया 5 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है रेक्टेंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो इस ट्रेंगल में कौन सी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ हो जाएगा, चलो ये लेंथ हो जाएगा, तो L² + B² = 25। कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब दोनों जगह मैं क्या कर लेता हूँ, मान के चलिए L² + B² = 5 है ये, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे आप, जो रेक्टेंगुलर और डायगोनल है, L² + B² = 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सबको पता है L² B² = हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मिल चुका है एक इक्वेशन, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब सबको पता है या तो लेंथ आपकी 4 होगी, ये ब्रेथ आपकी 3 होगी, ऐसा क्यों? या आपकी ब्रेथ 3 हो सकती है, मतलब ब्रेथ 4 हो सकती है और लेंथ 3 हो सकती है, ऐसा क्यों? आपको पता है 4 और 3 का स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ही है जो 25 हमें बना सकता है। कैसे, 4 4 = 16, 3 3 = 9, तो कितना हो जाएगा, 25। तो आप सबको मिल गया है लेंथ कितनी है, 4 है, ब्रेथ कितनी है, 3। आप लेंथ को 3 भी मान सकते हो, ब्रेथ को भी 4 मान सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इंटरचेंज है। अब टोटल एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या है, रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता चल गया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल A = 4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब मैंने पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, अब यहाँ पर छोटा सा ये गैप बचा है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर कितने हैं, 12 स्क्वायर हैं, आप सबको पता है 3 रो हैं और 4 स्क्वायर हैं, तो 3 × 12, और एरिया किसका है, स्क्वायर का, इक्वल टू टोटल एरिया कितना है, 12 का, कर लेंगे तो A = कितना हो जाएगा, 12/12 1 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो एरिया कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें कुछ खास नहीं किया हमने, L² + B² = 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर मतलब 25। एक डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं L² + B² = 5, इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल किसका डायगोनल दिया हो, रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हो, तो आपका फॉर्मूला होता है ये L² + B² = डायगोनल। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ऐसा नहीं कि आप रट लो सिर्फ, क्यों बनाया, क्यों ऐसा स्क्वायर हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लग के, ये ABCD करके सिखाया, परपेंडिकुलर और बेस, डायगोनल का स्क्वायर। तो वही रेक्टेंगल का डायगोनल कोई ऐसा फॉर्मूला बताए
तो आप इसको भी रिमेम्बर याद कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं, जब भूले ना आप फिगर ड्रॉ कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ कंसिडर करना है, देखिए एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस और एक्चुअल प्रोग्रेस। एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कितनी है, मान के चल रहे थे कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा है पर एक्चुअल उतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं। मान के चलिए किसी एक कंट्री में उनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेड ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी, बट ड्यू टू सम रीजन, चाहे इन्फ्लेशन महंगाई आ गई, तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। ठीक है, फ्लड आ गया या नेचुरल क्लेमिटीज आ गई। तो अब उस बेसिस पे आप सबको पहले ग्राफ रीड करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। परसेंट ऑफ वर्क कितना हुआ, 0%, 25, 50%, 75%, 100%। तो ये ग्रोथ क्या देख रहे थे, 25%, 50%, 75% और 100% तक उनकी ग्रोथ मान के चल रहे थे, बट एक्चुअल में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। एक्चुअल में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, ये दिए हैं मंथ की डेट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इस पूरे ग्राफ को पढ़कर हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन अबव। इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपको पहला, ऑन 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड। 1 जून, देखिए 1 जून में देखने को मिलता है, ये है मई जून, एक्सपेक्टेड से कम है एक्चुअल ग्रोथ। यस, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। बी वाला क्या है, जो एक्चुअल रेट है प्रोग्रेस की वो ग्रेटेस्ट है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त में। अगस्त में भी देख लेते हैं, देखिए अगस्त के महीने में थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो यस ये भी करेक्ट है। इस मंथ में ये पूरा अगस्त के महीने में ये ऊपर आया। द वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं क्या, वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, जो काम है एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी हो चुका है। ठीक है, एक्चुअल प्रोग्रेस। अब देखिए हम वर्क अभी, अगर थर्ड में आपको कन्फ्यूजन है तो हम फोर्थ पढ़ लेंगे ताकि एक नॉट करेक्ट का आंसर मिल जाए। ठीक है, पर वैसे तो ये सही है, पर मैं फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर अभी बताता हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सेप्टेम्बर, देखिए 1 अप्रैल ये है और 1 सेप्टेम्बर ये है। ठीक है, ये बोल रहा है एट नो टाइम वॉज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। इनमें से ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहां पर एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से ज्यादा है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखिए एक्चुअल जो ग्रोथ है वो अगस्त के महीने में हमें ज्यादा मिली, बट यहां पर यह बोल रहा है कि अप्रैल महीना और जो सेप्टेम्बर मंथ है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो ऑलवेज हमें ज्यादा दिखी एज कंपेयर टू जो है एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। मतलब एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से एक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो कभी ऊपर नहीं आई। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगस्त का ऐसा महीना है, अगस्त का ऐसा मंथ है जहाँ पर जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से ज़्यादा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो डायरेक्ट थर्ड को ना पढ़ के हम फोर्थ पढ़ेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो चारों ऑप्शन पढ़ना और आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्पोर्ट्स मीट, एक स्पोर्ट्स मीट होती है, विनर को एक वुडन ब्लॉक्स में, तीन वुडन ब्लॉक्स में क्या है, खड़ा कर दिया जाता है, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान के चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 डिफरेंट कलर हैं, 6 अलग अलग कलर हैं, चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ 3 वुडन ब्लॉक इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज द सेम कलर। अब 6 कलर हैं, 6 अलग अलग कलर हैं, 6 चॉइसेस हैं, और ऐसे अरेंजमेंट करने हैं, और इनको कितने में, 3 वुडन ब्लॉक्स में करने हैं, और ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 जो वुडन ब्लॉक्स हैं उनमें सेम कलर ना आए। जैसे मैंने ग्रीन लिया तो बगल में भी ग्रीन ना लाए, तो ऐसा कैसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो अरेंजमेंट के लिए आप सबके पास एक क्वेश्चन आता है, अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन का। कभी भी अरेंजमेंट की बात आती है उसका मतलब क्या है, परम्यूटेशन। आपको पता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन में जनरली अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही निकालते हैं, बट उसमें अरेंज वे में नहीं होता। तो देखिए 2 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फैक्टोरियल बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस में मैं फैक्टोरियल आपको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे फैक्टोरियल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 3 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे, 3, 2, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये अरेंज वे में है तो इसमें परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि 6 अलग अलग कलर हैं, पी जो है और कितने वुडन ब्लॉक्स में, 3 में। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 6P3 का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे NPR होता है, तो N का होता है N फैक्टोरियल
और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा तो 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 5, 4 और ये 3 फैक्टोरियल तक इसको कर दूंगा, नीचे भी 3 फैक्टोरियल तक इसको कर दूंगा। आप बशर्ते आपने 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों सॉल्व किया, आप सबको पता है 3 2 1 हो जाएगा, ये भी 3 2 1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 6 पंचे 30, 30 चक्को 120। तो कितने ज़्यादा अरेंजमेंट हो सकते हैं ऐसे, 120। तो मैं 6 कलर से 120 तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, जिसमें 2 वुडन ब्लॉक के 2 सेम कलर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो फैक्टोरियल सॉल्व करना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आइटम्स के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, एक ग्राफ को रीड करना है, बर्थ रेट और डेथ रेट बताया गया है, कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फ्रेड दैट फ्रॉम 1992 2010, 1990 से 2010 तक क्या लगाया जा सकता है, ऑफिशियल आंसर की के बेसिस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना ज़्यादा 1990 से 2010 तक, यानी कि 1990 से 2010 में ट्रेंड आप सबको देखने को मिला है। देखिए 1990 यहाँ पर है, और ये बर्थ रेट का है ग्राफ और ये है डेथ रेट का। तो ज़्यादा सिमिलरिटी आप सबको देखने को नहीं मिली है, ज़्यादा डिसिमिलरिटी का मतलब डिसिमिलर हैं ये, उतना ज़्यादा डिसिमिलरिटी नहीं है, सिमिलर आप सबको देखने को मिल रहे हैं। तो उतना ज़्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंज नहीं आया है। तो आंसर वुड बी डी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी, ये ऑफिशियल आंसर की के बेसिस में है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट के आंसर की हैं वो मे वेरी कर सकते हैं, बट हमें यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करने हैं। तो आंसर है डी, पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अबव ग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडरिंग 1970 एज ए बेस ईयर, 1970 को एज ए बेस ईयर मानना है और उस बेसिस पे हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है, देखिए। और विच अबव द मोस्ट लॉजिकल रेशनल स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव ग्राफ, ठीक है। अब देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं और आंसर हमें ये बताना है, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो सबसे पहला 1970 का बेस ईयर मान के चलते हैं, देखिए 1970 को बेस ईयर मानते चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1970, 1980 10 साल होते हैं, 1980 से 1990 10 साल, यानी कि टोटल 20 साल, 30 साल और यहाँ पर 2000 तक 30 साल, और यहाँ पर तक देखिए, यहाँ पर तक, यहाँ पर से देखना है आपको, ये 35 साल। अब ये है बर्थ रेट, ये है डेथ रेट, आप सबको देखने को मिल रहा है। ये देखिए बर्थ रेट सेम ऐसे में जा रहा है जो यहाँ पर जा रहा है, डेथ रेट और बर्थ रेट सेम। तो इससे हम कह सकते हैं सबसे पहला आंसर है डी, 2 एंड 4। अब ऐसा क्यों, देखिए 4 क्यों, बर्थ रेट है स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर्स, जैसे मैंने कहा स्टेबलाइज हो जाएगा, दिखाया भी 35 साल में कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ है स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर्स, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाएगी 35 साल बाद, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ में दिखा दिया कि ये देखिए ये 35 साल है और यहाँ पर से आगे को आपको ग्राफ शो कर रहा है, ये सेकेंड और फोर्थ कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर और इन ए फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर ए एंड बी एज फॉलोज। तो देखिए क्या है, आवरली अर्निंग है 1 घंटे में और ये ईयर्स दे रखे हैं 2013, 14, 15, 16, 17, जैसे ये 25 है, ये आप 100 के बेसिस पर भी लगा सकते हैं, 1000 और लैख के बेसिस पर भी, बट आपको आवरली अर्निंग देखनी है। ये है 25, इस ग्राफ में है 35, ये है 40, यहाँ तक गया है, ठीक है, और आवरली अर्निंग यहाँ पर भी गया है सेम चीज़। पर आपको देखने को मिलता है 2 ग्राफ दिए हैं, फिगर ए और फिगर बी, ठीक है। तो ये भी आवरली अर्निंग है और 2013, 14, 15 ये सेम है, बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो नीचे से स्टार्ट है, बट नीचे से भी स्टार्ट है तो यहाँ पर नीचे वाला क्या है, देखिए 20 है, यहाँ पर भी कितना है, देखिए 20 है, फिर क्या है 25, 30, 35 और 40। अब फ्रॉम द फिगर्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक ही ग्राफ है पर दोनों को अलग अलग चीज़ों से देखने को मिल रहा है कि अलग अलग शो हो रहा है। तो आप सबको देखने में मिलता है जो स्लोप्स है ऑफ द ग्राफ आर सेम, स्लोप मतलब ये होता है, ठीक है, ये ऐसे जाना स्लोप, ठीक है, स्लोप मतलब ये, जैसे हम कहेंगे माउंटेन की स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो बहुत सारे माउंटेन ऐसे होते हैं, बहुत सारे माउंटेन ऐसे भी होते हैं, तो स्लोप उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है, देखिए फिसलेंगे, बट यहाँ पर से फिसलेंगे तो डायरेक्ट गिर ही जाएंगे,
तो स्लोप मतलब ये होता है, ठीक है। तो स्लोप देखिए दोनों की सेम है, ये देखिए सेम ही पैटर्न ऊपर जा रहा है आवर्ली अर्निंग का, इसमें भी सेम पैटर्न आवर्ली ऊपर जा रहा है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय में आपने दिया होगा तो नवोदय की पेपर आपने, नवोदय स्कूल जो होते हैं अगर उसको दिया होगा पेपर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग गिवन बिलो, तो कुछ यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना। तो तीन फिगर दिए हैं हमें बताना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन मार्क ये है हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने को मिल रही हैं और रोटेटिंग वाइज में वो फिट हैं, ये सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रेंगल है। सर्कल स्क्वायर और ट्रेंगल, ठीक है। देखो सर्कल के पीछे क्या है, सर्कल के पीछे एस है और इसके पीछे ट्रेंगल है, यानी कि इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो। अगले वाले में जो ये है ये आगे है, टू है, फिर ये थ्री है, टू थ्री वन, वन टू थ्री, फिर थ्री टू वन, तो ये क्या है, थ्री हो जाएगा। ये क्या है, ट्रेंगल क्या है, थ्री है, और सर्कल क्या है, वन है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर टू स्क्वायर वाला होगा, सिंपल है ना। ये वन टू थ्री है, ये टू थ्री वन है, ये थ्री टू वन है, थ्री वन टू हो गया, आगे पीछे से चल रहा है ये सर्कल ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो स्क्वायर वाला ढूंढना है हमें। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ये सिंपल था, तो इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर इसमें भी चेंज आता, ये नीचे वाले चेंज आते, कुछ पैटर्न यहाँ से भी होता, तब उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता क्वेश्चन हमारे लिए, बट ये सिंपल से क्वेश्चन है तो सी सेट का ये सॉल्व हो सकता है। तो ये हो जाएगा ए का ये। ओके नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, ए एंड बी फिगर दिए गए हैं हमें बताना है। ये फिगर ए है, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये फिगर बी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, कितने पीसेस बिके, नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, कितने जो पीसेस हैं बनाए गए, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी रखी है, तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में और कितने पैसे जो बेचे गए। अब है क्या क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, ये हम देखते हैं, फिर उसके बेसिस पर आंसर करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर प्रोडक्ट आर सोन इन द अबव फिगर ए एंड बी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कितने आइटम से बेचे गए हमें देखने को मिल रहा है ए और बी में। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड लॉस। हमें ऐसे कितने मिनिमम पीसेज बनाने हैं जिससे कि कम से कम हमें लॉस झेलना पड़े, कम से कम लॉस झेलना पड़े। अब फिगर वन का देखते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स कितनी है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज, हमें कितने नंबर ऑफ पीसेज बनाने हैं जिससे कि कम से कम हमें लॉस हो। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले फिगर को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला फिगर है ये वाला, देखिए 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। वैसे तो पीछे से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, ठीक है। तो 6 लाख हो गया, 6 लाख, और कितने 6 लाख रुपए में कितने मैन्युफैक्चर किए गए, 1000, 1000 नंबर ऑफ पीसेस कितने, मतलब 1000 मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रुपया लग रहा है बनाने में, 1000 जो पीसेज हैं, चाहे वो वुडन ब्लॉक्स हैं, फर्नीचर, सोफा मान लीजिए, तो 1000 से काटता हूँ तो बचा 600। तो 600 एक पीस का कितना हो गया, 600 रुपये लग रहा है एक पीस का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे देखता हूँ, ये देखिए 7 है, 7 लाख, और 7 लाख रुपये लग रहे हैं 2000 सोफा बनाने में या फर्नीचर बनाने में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 7 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 7 लाख। और नीचे कितने कर देंगे, 2000 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2000 पीसेज मैन्युफैक्चर्ड करने हैं। तो 2000 से 3 जीरो, से 3 जीरो काटूंगा, 2 से 700 को 350। अब दो निकाल लिए हैं, तीसरा निकालना अभी जरूरी नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो हम निकाल लेंगे, बट क्या उसमें भी दो में ये आ सकता है। तो ये एक पीस कितने रुपए में बन रहा है, 600 रुपये में बन रहा है। ये एक पीस कितने में बन रहा है, एक पीस यहाँ पर कितने में बन रहा है, 350 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले रहे हैं, ये देखिए जो पहला पीस है, नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, देखिए सेलिंग पर पीस, एक पीस कितना रुपये का है, ये देखिए 400 रुपये का एक पीस है। जब 400 रुपये का एक पीस होता है तो कितने बेचे जाते हैं, 1000 बेचे जाते हैं सिर्फ। जब मैं कहूँगा हम दुकान पे, हम वो दुकान वाला सपोज मेरे हैं, मैं कहूँगा 400 रुपये का सोफ़ा ले लो, जब मैं 400 रुपये का सोफ़ा लेता हूँ तो 1000 बिकते हैं सोफे, ठीक है।
अब आगे देखता हूँ, जब ये देखिए 350 रुपये के बेचता हूँ मैं, जब एक ही वही सोफा जब 350 रुपये का बेचता हूँ, तब कितने बिकते हैं पीसेस? 2000 रुपये। तब कितने हैं? 2000 पीसेस बिक जाते हैं। तो यस, तो आंसर हो जाएगा हमारा 350। आंसर कितना हो जाएगा? 350। ठीक है, तो कितना है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पीसेज? ये 200, ये कुछ थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर 350 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 350 होना चाहिए। तो 350, 350 रुपये होगा ये। ठीक है, तो 2000 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, 350 रुपीज़ होगा। अब कैसे पता चला? देखिए, मैंने जब मैं 7 लाख खर्च कर रहा हूँ, 7 लाख खर्च कर रहा हूँ, तो वो कितने पीस मैन्युफैक्चर कर रहा है? 2000। मतलब जब 350 रुपये का एक पीस बन जा रहा है, मतलब तो उसमें मेरे को 2000 पीस मैन्युफैक्चर भी कर ले रहा हूँ। और वही 350 रुपये में, जब मेरे पास, जब मैंने वही सोफ़ा की कॉस्ट 350 रुपये करा, तो मैं उस कॉस्ट में 2000 चीज़ें बेच पा रहा हूँ। जब वही सोफ़ा 400 रुपये का है, तो मैं सिर्फ 1000 पीसेज बेच रहा हूँ। पर वही सोफ़ा की जब मैं 350 जो कॉस्ट प्राइस है वो घटा दे रहा हूँ थोड़ी सी, तो वही 2000 बेच दे रहा है। तो हमको किस में लॉस नहीं होगा? 350 रुपये में, जब एक पीस को मैं 350 रुपये का मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो ठीक है, तो 350 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ए लिफ्ट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन। एक जो लिफ्ट है वो 18 एडल्ट को ले जा सकती है या 30 चिल्ड्रन को, या तो 18 बड़े बड़े युवकों को या 30 बच्चों को ले जा सकती है। तो अगर एक लिफ्ट में 12 एडल्ट हैं, तो वो कितने बच्चों को ले जाएगी? तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हम कहेंगे 12 एडल्ट प्लस एक्स चिल्ड्रन ना इजिक्वल टू कितना? 16 एडल्ट। क्यों? क्योंकि एक एडल्ट है, एक जो लिफ्ट है वो 16 एडल्ट को ले जा पा रही है। सिंपल सा है ये, सिंपल सा फंडा है। एक जो एडल्ट है कितना? तो अब हमें निकालना है एडल्ट की वैल्यू, ताकि चिल्ड्रन पता चल पाए। तो 18a = 30c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम? क्योंकि इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो क्या हो जाएगा? एडल्ट इक्वल टू 18 को यहाँ पर भेजूँ, 30/18, तो 6 5 30, 6 3 18, तो एक ही वैल्यू आ गई। जहाँ जहाँ एडल्ट है वहाँ कितना रखेंगे? 5/3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिंपल सी बात है, 18 एडल्ट इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन, क्योंकि सेम जो लिफ्ट है वो 18 एडल्ट को भी ले जा रही है और 30 चिल्ड्रन को भी ले जा रही है। ठीक है, तो एक ही जगह हम क्या रखेंगे? 5/3। तो 12 × 5/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 × 5/3। 3 से काटूंगा, यहाँ 3 3 चौके 12, 4 5 20। ठीक है, तो यह हो जाएगा 20 + x, 20 + x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 नहीं, ये 18 होगा। ठीक है, 16 नहीं, ये 18 होगा, क्योंकि 18 एडल्ट हैं, ये 18 एडल्ट हैं, ये 18 एडल्ट हैं। तो 3 6 18, 6 5 30, 6 5 30, ये 18 एडल्ट है ना, तभी 18 एडल्ट करना है यहाँ पर। एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पर माइनस में चल जाएगा 10। तो कितने चिल्ड्रन 12 एडल्ट के साथ 10 चिल्ड्रन और जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 10 चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है 10 चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 12.5%। देखिए, मैं दो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि जो है एक्चुअल कैलकुलेशन के बेसिस पे, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बताना है मेरा, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे नहीं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझाऊंगा। कैलकुलेशन आपको खुद करके आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कितने का मिला? 22,800 का मिला, प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट है 12.5% का हर साल, हर साल 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब पहले ईयर ये कितने रुपए दे दे रहा है? 8,650 रुपये दे रहा है। दूसरे साल वो कितने दे रहा है? 9,125 रुपये दे दे रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे साल उसको कितना पे करना पड़ेगा कंप्लीट डेट चुकाने के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए 100 रुपये का रेफ्रिजरेटर है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, मैं स्टेप के बेसिस पे बताऊंगा। तो 100 का 12.5% आप निकाल लीजिए, 12.5% निकाल लीजिए 100 का, तो कितना हो जाएगा? इसको मैं अगर मैं करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो कितना हो जाएगा? 12.5 रुपीज़ हो जाएगा। और 100 का जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 112.5 रुपये।
तो अब क्या है, 112.5 रुपये पहला ईयर का आ गया, जो पूरा रुपए देने हैं उनको। पर इस पहले रुपए में से सपोज मान के चलिए इन्होंने सिर्फ दिए 30 रुपये और यहाँ दिए वही 8,650 रुपये, ठीक है। तो अब क्या है, मान के चलिए चलो 30 रुपये नहीं, इन्होंने दे दिए 12.5 पर इतने ही रुपये दे दिए, ठीक है, पहले ईयर में। तो अब बचे कितने, फिर से कितने रुपये बचे, 100 रुपये बचे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर में जो पूरा 12.5 इंटरेस्ट मिला के जितना भी रुपया आ रहा है वो आपको देना है, पर आप दे कितना रहे हैं, सिर्फ 12.5% दे रहे हैं, तो माइनस करके कितना बच जाएगा, सिर्फ दोबारा 100 बच गया। अब इस 100 में दोबारा 12.5% बचेगा, दोबारा 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 112.5। अब इस बार आप 12.5% नहीं दे रहे, उस बार आप मान के चलिए 90 रुपये दे रहे हैं, आपने कितना रुपया दे दिया, 90 रुपये दे दिए, तो 112.5 माइनस 90 कर लीजिए, जो आता है, जो आंसर आएगा उसका भी क्या कर देंगे, लास्ट में 12.5% कर देंगे, और उतना ही आपको उत्तर, आपको लास्ट में उनको आंसर देना पड़ेगा या आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोबारा मैं लास्ट एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसको आपने कमेंट करना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 22,800 है, 22,800 है, इसका क्या करना है, कंपाउंड प्लस पी इंटू 12.5% कर देना है, ठीक है। अब स्टेप वाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कर देना है। तो आंसर कितना आएगा, सपोज सपोज ए आंसर आ जाता है, ठीक है, इतना ये आपको पे करना है। आपने पे कितना किया, 8,650, तो कितना माइनस कर दोगे, 8,650 रुपये माइनस कर दोगे। अब सपोज इसको माइनस करके बी आ जाता है, तो सेम स्टेप यहाँ पर करना है, आप दूसरा स्टेप वही, बी प्लस बी इंटू 12.5% ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये काट के कितना आंसर आ जाएगा सी। ऐसा ही नेक्स्ट सिस्टम में भी करोगे और माइनस कर दोगे 9,125, तो तीसरे साल के लिए भी सेम ऐसा करोगे, 9,125 माइनस करके आंसर आपका आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में 69 का आंसर हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप बता देना आंसर कितना हो जाएगा, 9,990 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,590 या 11,250, आपको कितने देने पड़ेंगे ये हमें बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, कुछ फिगर्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, और इन द फिगर 1 to 6 अब कुछ पार्ट्स को चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो सेवन्थ स्टेज में क्या आएगा, सेवन्थ स्टेज में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। आप सबको देखने को मिल रहा है जो ये स्क्वायर है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखने को मिल रहा ना, ये आगे वाले में यहाँ पर आ गया स्क्वायर जो है यहाँ से यहाँ आ गया, बट जो ये ट्रायंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पीछे आ गया, ये जा रहा है आगे, ये जा रहा है पीछे। तो बस सेम कॉन्सेप्ट है, हमारा जो स्क्वायर है वो आगे जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगा, और जो ये ट्रायंगल है वो पीछे जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा जहाँ पर भी ये है, ऐसा कहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कितना आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, 70 का आंसर क्या उतना जाएगा बी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है, और आपको यही सेम चीज़ सभी में अप्लाई हो रही है, यानी देखिए आगे भी ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये पहुंचा, ठीक है, ये आगे को घूम रहा है, ये पीछे को घूम रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, कुछ ग्राफ दिया है, द कर्व्स इन द ग्राफ इंडिकेट डिफरेंट एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ टू कंट्रीज, ए और बी में अलग अलग एज ग्रुप दिए है, कंट्री ए और कंट्री बी। देखिए जो ये है पूरी हार्ड लाइन वो है 15 से नीचे वाले बच्चे, जो 15 से नीचे वाले बच्चे हैं, जो डॉटेड लाइन है वो 15 से 64 के बीच में है, और जो बड़ी डैश डैश वाली लाइन है वो कितने के बीच में है, वो आप सबको देखने को मिल रही है, वो 64+ है। तो डिपेंडेंट, अब इनमें से आप सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एज ग्रुप डिपेंडेंट हैं। देखिए एक तो छोटे बच्चे होंगे, एक बूढ़े जो होंगे उन पे डिपेंडेंसी रहेगी, मतलब वो डिपेंड हैं किसी पे। 15 से 64 वर्ष की जो एज होती है वो वर्किंग एज होती है जनरली, और जो ये 15 से, ये ठीक है, तो ये बता दिया आप कौन कौन से क्या हैं। अब इसके बेसिस पर हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहला, विथ रेफरेंस टू अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस कैन बी मेड, कौन सा बनाया जा सकता है ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो सबसे पहला है, ओवर द लास्ट 2.5 डिकेड्स द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज डिक्रीज्ड, लास्ट 2.5 डिकेड में, यानी कि 25 सालों में
जो कंट्री बी की डिपेंडेंसी रेशियो है वो घटी है। अब देख लेते हैं ग्राफ में, यह है कंट्री बी और डिपेंडेंसी रेशियो 15 साल और सिर्फ 64 साल में देखना है। देखिए ये वाली एज बढ़ी है, ये देखिए 64 से, ये तो सिंपल सी बात है, ये देखिए घट रही है। तो 15 साल का देखिए ये और 64 साल का ये हल्का सा ये, तो यस अगर आप इसी में देखेंगे कंट्री ए को तो उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को, आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो ओवर द लास्ट एंड हाफ डिकेट्स द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज। यस, कंट्री बी की डिपेंडेंसी रेशियो घट रही है। सेकेंड ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 डिकेट्स द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन कंट्री बी। नहीं, कंट्री ए की कम हो रही है कंट्री बी से, नहीं ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कंट्री बी की कम हो रही है जैसे अभी हमने देखा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यस आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 3, क्योंकि 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे तो ज़्यादा हम नहीं देखते, तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, 71 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर और हर सन बैडमिंटन प्लेयर हैं और एक डबल्स का गेम हो रहा है, यहाँ पर आप नेट मान के चलिए और जो जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें बताना है। सबसे पहले लक्ष्मी ब्रदर, लक्ष्मी है एल से डिनोट करेंगे, लक्ष्मी का ब्रदर है एल बी से डिनोट करेंगे, हर डॉटर है एल डी से और हर सन है तो एल एस से करेंगे, ठीक है। तो लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर, जो लक्ष्मी का ब्रदर है उनकी डॉटर से डायरेक्टली अक्रॉस है, उनकी डायरेक्टली अक्रॉस है, लक्ष्मी की डॉटर से डायरेक्टली अक्रॉस है। तो हम क्या कर लेते हैं, लक्ष्मी का ये ब्रदर है और लक्ष्मी का ये डॉटर है, मान के चलिए यहाँ पर ये है लक्ष्मी की ये है। हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो लक्ष्मी का सन है, ये लक्ष्मी का सन है, वो डायगनली सिबलिंग्स के जो वर्स्ट प्लेयर है, वर्स्ट प्लेयर कौन हो जाएगी फिर, लक्ष्मी हो जाएगी। तो डायगनली लक्ष्मी का सन वर्स्ट प्लेयर जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग मतलब भाई बहन है, उनके अपोजिट में है, उनके अपोजिट में है, ठीक है। तो सिबलिंग के क्या है, अपोजिट में है और डायगोनली यहां पर आप सबको देखने को मिल रहा है। थर्ड है द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड, एक और बता रखा है यहां पर एक क्वेश्चन। अब देखिए सिबलिंग तो यही हो, सन और डॉटर भी, तो ये भी तो सिबलिंग है, बट यहां पर थर्ड जो केस है, देखिए द बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर वो सेम साइड में है, अभी हमने सेकंड से देख लिया कि जो वर्स्ट प्लेयर है वो अपोजिट में है, तो सिंपल सी बात है लक्ष्मी और लक्ष्मी का भाई एक वर्स्ट प्लेयर है, एक जो है बेस्ट प्लेयर है, तो वर्स्ट प्लेयर कौन है, लक्ष्मी है, बेस्ट प्लेयर लक्ष्मी का भाई। तो पूछ रहा क्या है, हु इज द बेस्ट प्लेयर, लक्ष्मी का भाई हर ब्रदर, हर ब्रदर, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर कितना हो जाएगा ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो इंडिकेट द चेंजेस इन की पॉलिसी रेट बाय द सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन ईयर। देखिए रेपो रेट बढ़ा दिया, सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जहां पर जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जब रिजर्व बैंक ले लेती है बैंकों से, ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक के पास कमी है तो वो ले रही है दूसरे बैंकों से, ऐसा नहीं होता है। कैश रिजर्व रेशियो बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है, अनफॉर्चुन कंडीशन में। ये ऑलरेडी हम इकोनॉमी, जो यूपीएससी इकोनॉमी का जो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्टली लाइक रीजन फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ सच एन एक्शन, सिंपल सी बात है, रेपो रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, जब हम क्या करते हैं तो बहुत सारे के माइंड में आएगा लिक्विडिटी बढ़ाना या घटाना हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ में देखिए ऐसा डिजिट दे रखे हैं जिसमें हम सॉल्व उतना ज़्यादा नहीं, तो जनरली रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और सीआरआर क्या करता है, एक तरह से एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो डायरेक्ट आंसर है इसका डी, आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी ग्रोथ रेट और टैली डेंसिटी दे रखी है डिफरेंट स्टेट्स की इन ए पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द टेबल एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलोज। देखिए टैली डेंसिटी दे रखी है 70-35, टैली डेंसिटी मतलब जहाँ आपके पास होते हैं ना, फोन का हो गया, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया, कितने लोगों के पास है, पर कैपिटा इनकम दे रखी है, जीडीपी ग्रोथ दे रखी है, हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। सबसे पहला, विथ रेफरेंस टू एबव टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस। सबसे पहला, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विथ हायर टैली डेंसिटी, क्या हायर जो कैपिटल इनकम है वो जनरली, देखिए उतना ज़्यादा
हार्श वर्ड यहाँ पर नहीं डाला, हार्श वर्ड मतलब जो एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं। जनरली पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो वो जनरली हाई टेलीडेंसिटी देखने को मिल रही है, तो कुछ जनरली है, पूरा एब्सोल्यूट नहीं हुआ बोल रहा है। ठीक है, देखिए पर कैपिटा इनकम 704 है तो यस 70.27 अच्छा है, पर कैपिटा इनकम 419 है तो 35 यस ये भी अच्छा है, पर कैपिटा इनकम 720 है तो यस 82.25 है यस ये भी सही है। तो पहला ये सही हो जाता है कि हायर पर कैपिटा इनकम होगा तो जनरली एसोसिएट है हायर डेंसिटी से, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। बट क्या सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर? नहीं, गलत है, क्योंकि जो हायर जीडीपी रेश ग्रोथ रेट है वो हमेशा हायर पर कैपिटा इनकम इंश्योर करता है, नहीं, क्योंकि देखिए ग्राफ में आपको देखने को मिलता है जीडीपी ग्रोथ, आप सबको ये देखिए 5.92 दिख रही है तो टेली डेंसिटी सिर्फ 6 है, जीडीपी जो है 5.8 है, टेली डेंसिटी देखिए 49.9 है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हायर जीडीपी ग्रोथ होगी तो हायर टेली डेंसिटी, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा अपना 5.92 सिर्फ 6 है और 5.8 है तो 49.9 है, तो हायर टेली डेंसिटी हमेशा हायर जीडीपी ग्रोथ नहीं जनरेट कर सकती, तो दूसरा ऑप्शन गलत, मैं दूसरे को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, अभी थर्ड भी पढ़ के आंसर आएगा, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। यस सही है कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ बड़ी होगी तो टेली डेंसिटी भी बड़ी होगी, तो 71 जो भी आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3, 74 है शायद, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अबव टेबल हमें बताना है कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर वैलिड, नाउअडेज प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग स्टेट कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। गलत, आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टेट है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, नाउडेज ए वेरी हाई टेली डेंसिटी इज मोस्ट एसेंशियल कंडीशन, ये भी गलत है कि एसेंशियल कंडीशन तो नहीं है अगर आपको बिजनेस या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, तो सिंपल सी बात है आंसर हो जाएगा डी। आप सबने डाटा देखा कि कम जीडीपी ग्रोथ में भी अच्छी टेलीकम्युनिकेशन टेली डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट टैक्स रेवेन्यू है 2 डिकेट्स का, हमें ये दे रखा है 2 डिकेट के टैक्स रेवेन्यूज हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड। अब है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले हमें जानना होगा डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स आपके कौन कौन से होते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, दूसरा है पर्सनल टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ये तीनों हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें बताना है, उसके बेसिस पर आंसर हमें बताना है। ठीक है, पहला, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड देयर वेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंट ऑफ ग्रॉस टैक्स इंक्रीज, जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, तो सिंपल सी बात है जो डायरेक्ट टैक्स हैं देखिए कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट टैक्स ये डॉट डॉट लाइन, यस डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, ये देखिए कॉर्पोरेट टैक्स है, और पर्सनल टैक्स जो है पूरी डॉटेड लाइन है वह भी बढ़ रहा है, तो यस वो इंक्रीज हुआ है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बिन नेगेटिव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है देखिए पूरी डार्क लाइन है, अब एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए घट रही है घट रही है घट रही है, और यहाँ पर से हल्का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो क्या एक्साइज ड्यूटी कम करने का मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करता है? नहीं, एक कंट्री अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है वेरियस रीजन से, चाहे वो ग्रोथ बढ़ाना चाहती है मे बी, क्योंकि तो उन्होंने कम की है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर चीज़ से पॉइंट से वो बढ़ रही है ग्रोथ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ग्रोथ शो करता है ट्रेंड, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इस पूरे 2018 सी सेट हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, क्या है देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, तो बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, गलत, नेगेटिव भी हो सकता है, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन वाई मस्ट बी नेगेटिव, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो वाई नेगेटिव होगा, ऐसा क्यों होगा, एक्स इक्वल टू अगर मैं सॉल्व करता हूँ वाई प्लस 8, सपोज एक्स की वैल्यू 10 तो वाई नेगेटिव तो नहीं होगा ना, तो 10 माइनस 8 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो गलत, इफ एक्स इज नेगेटिव वाई मस्ट बी पॉजिटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होना ही चाहिए, गलत,
तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू और नॉट थ्री। ओके, इस तरह से हम यूपीएससी सीसेट 2018 प्रीलिम्स के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप ये पसंद आया होगा। इसके बाद हम 1995 से 2017 यानी कि 2018 2018 तक पूरे सीसेट के पेपर करने हैं। आपको 2 जून प्रीलिम्स के लिए यही सॉल्व करने हैं, यही पेपर सॉल्व करने हैं, कोई दूसरा नहीं करना है, ठीक है? तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। धन्यवाद।